हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कोच भानुप्रिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रिसाइज स्टेप्स बताने वाली हूँ फॉर अ वेरी इफेक्टिव एंड प्रॉपर विजुअलाइजेशन। ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपके विजुअलाइजेशन की इफेक्टिविटी मैनीफोल्ड 100 फोल्ड 1000 टाइम्स बढ़ जाएगी, ट्रस्ट मी। सो वॉच द एंटायर वीडियो टिल द एंड, सारे स्टेप्स अच्छे से समझना, उनको इम्प्लीमेंट करना एंड डू नॉट मिस एनीथिंग। ओके, आर यू रेडी? सो प्रॉपरली एंड करेक्टली विजुअलाइज करने का सबसे पहला स्टेप है, यू क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स एंड से थैंक यू टू यूनिवर्स। सबसे पहला स्टेप इज बीइंग ग्रेटफुल। आप उन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो यूनिवर्स को अभी अपने मन में, जो भी आपके पास आपकी लाइफ में है या आपने मैनिफेस्ट की है, और आप दिल से उन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो। जो भी बड़ी चीज़ें आपको लगती है कि यार ये चीज़ मेरे लाइफ में, दैट्स रियली आई एम ब्लेस्ड टू हैव इट, ठीक है, स्पेशली उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना। जिस चीज़ से रिलेटेड आप कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है, और मैं अभी करंटली मेरी एक जॉब में हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लोज माय आईज एंड बी थैंकफुल फॉर माय करंट जॉब, कि एटलीस्ट मेरे पास ऐसी जॉब है जिससे मैं अर्न कर सकती हूँ, जिससे मेरी इच्छाएँ, मेरे शौक पूरे होते हैं, जिससे मेरे पास फिनेंशियल इंडिपेंडेंस है। भले मैं खुश हूँ कि नहीं जॉब में, दैट्स ओके, बट मुझे एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है वो जॉब में से। हमारे पास हमारी लाइफ में जो भी ख़राब चीज़ें हैं ना, उनमें भी कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही रहा होता है, ठीक है, समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे हमें दुख हो रहा होता है, बट ध्यान से ढूंढना उस चीज़ में से भी कुछ ना कुछ हमें मिल रहा होता है। एक बहुत ही ट्रबल्ड या ख़राब रिलेशनशिप भी हो ना, तो भी उसमें से या तो हमें फिनेंशियल सपोर्ट या फिर हमें फिजिकल सपोर्ट कुछ तो ऐसा मिल ही रहा होता है जिसकी वजह से हम टिके हुए होते हैं अभी तक। तो वो जो छोटा सा पॉइंट है, जो छोटा सा रीज़न है जिसकी वजह से आप अभी तक टिके हुए हो ना, उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। अगर आप अपने ख़राब रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, तो एटलीस्ट बी थैंकफुल कि मेरे पास कोई रिलेशनशिप तो है। लोग अकेले होते हैं, पीपल फील अलोन, एटलीस्ट आई हैव सम हार्ड मास वाला इंसान विथ मी, कि जिसको मैं कुछ बोल सकूँ या एटलीस्ट झगड़ तो सकूँ, ठीक है। सो सबसे पहला चीज़ इज़ बी थैंकफुल, आँखें बंद करके यूनिवर्स को दिल से थैंक यू बोलना कि एटलीस्ट ये चीज़ है तो सही मेरे लाइफ में। सेकेंड स्टेप है, That is acknowledging problem. हाँ, मैं thankful हूँ, हाँ मेरी life में ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वो अभी एकदम उथल पुथल हुई हुई है। Accept करो और universe को बताओ कि सब सत्यानाश चल रहा है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ मेरे job में, या वो relationship एकदम एंड होने के कगार पे और मैं उसको बचाना चाहती हूँ, या फिर मैं थक गई हूँ अपने इनसिक्योरिटी को लेके और मैं बहुत ही ब्यूटीफुल लुक्स मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, या फिर मैं अपने करियर में काम करके, मेहनत करके थक गई हूँ, जब मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, आई एम टायर्ड एंड मैं उसमें सक्सेस पाना चाहती हूँ। तो एक्नॉलेज करो कि प्रॉब्लम क्या है। थैंक यू बोल दिया जो चीज़ है उसके लिए, बट अब प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ कमी है, कुछ लैक है, तभी तो हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो आंख बंद करके, हाथ जोड़ के वो कमी को एक्नॉलेज करो और बताओ यूनिवर्स को कि भाई ये कमी है और मैं इसको ठीक करना चाहती हूँ, इसको पूरा करना चाहती हूँ या ये पाना चाहती हूँ। दिस इज दी थिंग लैकिंग इन माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू फिल दिस वॉइड। एक्सेप्ट वॉट इज लैकिंग, एक्सेप्ट दी प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। सो द सेकेंड बेस्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड स्टेप इज टू प्रे कि आपने थैंक यू बोल दिया मेरे पास जो भी चीज़ है उसके लिए, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये प्रॉब्लम है, अब आपको प्रे करना है कि प्लीज़ गिव मी ऑल द डिवाइन गाइडेंस एंड हेल्प एंड इंट्यूशन that I need to solve this problem, to manifest this thing or to come out of this situation, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए यूनिवर्स की या भगवान की डिवाइन गाइडेंस के लिए प्रे करो। टेल हिम,
कमांड करो कि आई रियली रियली वॉन्ट योर हेल्प एंड गाइडेंस इन दिस सिचुएशन. मैं जब मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज करूँ और जब मैं एक्शन लूँ तो मैं उसमें आपका साथ चाहती हूँ. प्लीज़ गिव मी सपोर्ट एंड हेल्प मी टू मैनिफेस्ट दिस. प्रेयर करने के बाद अपना यूजुअल विजुअलाइजेशन करना, जैसा मैंने ऑलरेडी मेरे पहले वीडियो में बताया कि एक्चुअल में वो प्रोसेस में विजुअलाइज करना कैसे है, ठीक है. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड आई कार्ड में डाल देती हूँ, देख लेना वो. लेकिन वो विजुअलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले ये तीन चीज़ें अगर आप करोगे ना, तो वो विजुअलाइजेशन ऐसा मैजिकल होगा, क्योंकि उसमें आपके ग्रैटिट्यूड की शक्ति, आपके एक्सेप्टेंस की शक्ति और यूनिवर्स के गाइडेंस की शक्ति तीनों ऐड होती है. उसके बाद आप विजुअलाइज करते हो और उसके रिजल्ट तो मैजिकली होते हैं, ट्रस्ट मी. सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू विजुअलाइज, रिमेंबर दीज थ्री स्टेप्स. विजुअलाइज करने के पहले ये तीन पड़ाव पार करके ही विजुअलाइज करना है. बी ग्रेटफुल, एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एंड ask for guidance, pray for guidance and then visualize and see the magic and then come and comment down कि आपको कुछ difference लगा कि नहीं. क्या उस visualization में एक अलग सी खुशी, एक अलग सा spark, एक अलग सा satisfaction था कि नहीं. Come and comment that down and also comment down कि आप ये तरीका use करोगे कि नहीं, कुछ interesting लगा कि नहीं. And please अगर interesting लगा तो like करो, share करो and subscribe करो and हंसते रहो and मुझसे मिलते रहो and we will meet in the next video.